हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए हमारी शियान वांग स्टोरी कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 4 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था वेंशु वांगजी को ड्रैगन प्रिंस के साथ मैच कराने के लिए यीलिंग लेकर गया है। अब देखते हैं आगे, जब शू चोंगहाई ने बगावत की थी तो उस बगावत में न सिर्फ एम्परर चांग से मारे गए थे बल्कि पूरा का पूरा ड्रैगन साम्राज्य ख़त्म हो गया था, क्योंकि हर किसी ने एम्परर को धोखा दिया था। पर इस पूरे युद्ध के दौरान दफेन वेंग प्रिंस वुशियान के साथ लॉयल रहे थे। उस वक्त उन्होंने घोषणा की थी कि वो चिशान से आए हुए हैं, वे इन लोगों के कज़न लगते हैं। दफेन वेंग लोगों ने ये सब बस इसलिए कहा था ताकि वो खून खराबा रोक सके, ऐसा कहा जाता है। तभी से दफेन के वेंग लोगों को आवशान सरन ने अपनी छत्र छाया में ले लिया, वो उनकी मास्टर बनी। प्रिंस वी वुशियान के अलावा वो अकेली ही है जो इस दुनिया में जिंदा ड्रैगन है। इसलिए जब अभी वेंजिंग ने ये कहा कि उसका जिशान के वेन राज्य के साथ कोई संबंध नहीं है तो वेंशु जोर से हंसने लगा। हमेशा की तरह वो अहंकारी बनने की कोशिश कर रहा था। हाँ, कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांगजी की नज़र उसकी मुट्ठी पर थी जो अभी भी उसकी तलवार पर जोर से कसी हुई थी, जैसे उसे किसी खतरे का आभास हो रहा हो। वेंशु ने कहा, हमें लुटेरा कह रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा पूरा का पूरा क्लान बस एक कब्र की रखवाली कर रहा है। तुम्हारे क्लान की हर किसी की जिंदगी बस एक मुर्दे को पूजने में लग जाती है। जल्दी करो और इस लड़की को उसे प्रणाम करके आने दो। वैसे तो ये सब वाहियात चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के कुछ नियम भी है, इसलिए उनका पालन करना ज़रूरी है, वेंशु गुस्से में बोल रहा था। इस बात के बावजूद कि उसे प्रिंस वुशियान की छी एनर्जी अपने बदन पर महसूस हो रही थी, उसे इस बात से परेशानी भी हो रही थी। फिर भी कहते हैं ना, कुत्ते की दुम तो टेढ़ी ही रहती है। वेंशु को इस बात का जवाब भी तुरंत मिला। अचानक से आसमान में जोर से बिजली कड़कने की आवाज़ हुई। वो इतनी भयंकर थी कि वेन सोल्जर्स अपने आप ही पीछे हट गए। सभी लोग परेशान होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। और जैसे जैसे वेंशु और वो यीलिंग डिसाइपल आपस में एक दूसरे को घूरने लगे, उन दोनों के बीच का टेंशन बढ़ता गया। दोनों अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, पर दोनों ने भी अपनी मुठ्ठियाँ अपने अपने तलवारों पर कस रखी थी, जैसे किसी भी वक्त वो अटैक के लिए तैयार हो। जैसे ही वांगजी को एहसास हुआ यहाँ बहुत भयंकर लड़ाई छिड़ सकती है, वांगजी की नज़र अपने आसपास दौड़ने लगी। उसे अपने अंकल के पास पहुँचने के लिए कितने कदम चलना पड़ेगा, वहाँ से वो किस तरफ भाग सकता है? वांगजी की माँ ने यीलिंग के बहुत सारे चित्र बनाए थे, हर एक छोटे से छोटा रास्ता भी उसमें दिखाया गया था, हर एक गुफा हर एक पर्वत की नक्काशी थी। लांसीजन को लगता था ये चित्र बस उनकी माँ की बोरियत दूर करने का तरीका है, पर लानवांगजी को अब जाकर पता चल रहा था। वो उसे सिखाने की कोशिश कर रही थी वांगजी उसकी मर्जी के खिलाफ होने वाली शादी से कैसे बच सकता है। वांगजी को समझ आ गया था, उसे बस एक गेट से बाहर निकलना है और वो आज़ाद हो जाएगा। उसने गहरी सांस ली, अपनी हवा की आपूर्ति को पूरा किया। साथ ही वो एक और बात समझ गया, वो अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसने खुद की रक्षा करना चुना तो वेंशु यकीनन उसके भाई को ढूंढकर मार डालेगा, क्योंकि इस वक्त लांसेचेन बिल्कुल अकेला है बिना किसी सुरक्षा के। लांसेट का उत्तराधिकारी सेट को छोड़कर उसके सीक्रेट्स के साथ कहीं दूर भटक रहा है, पूरी तरह से अकेला, अपनी जान और अपने सेट के बचे खुचे ज्ञान को लेकर शायद दर दर ठोकरे खा रहा है। वांगजी के इन सारे ख्यालों में एक बात ने खलल डाल दिया, जब यीलिंग का दूसरा डिसाइपल उस लेडी डिसाइपल के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके कान में कुछ बुदबुदाया। साथ ही उसने वांगजी की तरफ देखकर इशारा किया। अब वो लेडी ने एक गहरी सांस ली और वेंशु की तरफ देखा, फिर लान वांगजी की तरफ देखकर बोली, ठीक है, फिर पहले हमें तुम्हारे चोटों का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि जख्मी हालत में तुम ये रिचुअल नहीं कर सकते। वांगजी की तरफ देखते ही उस लेडी की बातों की कठोरता भी चली गई। वांगजी को तुरंत उस पर भरोसा करने का मन हुआ तो वो एक कदम आगे बढ़ा। वो लड़खड़ाया,
पैर में फिर से एक बार दर्द उठा, पर वेंजुलियो ने उसे बिल्कुल भी सहारा नहीं दिया, बल्कि उसने वांगजे के बाजू पर अपनी पकड़ वैसे ही कसी रखी और वो भी वांगजे के पीछे पीछे चलने लगा। इस फिनिक्स बैरियर के अंदर बस खून के रिश्तेदार आ सकते हैं, बाकी सबको बाहर रुकना पड़ेगा। उस लेडी ने तुरंत वेन सेना को वहीं पर रोक दिया, फिर बड़े आराम से बोली, जिशान के कल्टिवेटर को टेम्पल में जाने का इतना सीधा सा नियम नहीं पता। वेंशु इस बात पर चिल्ला कर उसे चुप करा देने वाला था, क्योंकि ये उसे अपनी बेइज्जती लग रही थी, पर वेंजुलियो ने साई किया और वांगजी का हाथ छोड़ दिया, फिर हल्के से बो किया। अब तो वेंशु और भी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाया, पर वांगजी का उस पर कोई ध्यान नहीं था, उसका ध्यान बस एक चीज़ पर था। वो धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। वो तुरंत अपने शूफू के पास पहुंचा और उनका हाथ टाइटली पकड़ लिया और उनके साथ वो आगे चलने लगा। बस वो उस गेट को जल्द से जल्द पार करना चाहता था, पर अचानक से उसे ऐसा लगा किसी ने उसे धक्का दे दिया है, या यूं कहो कि वो जख्मी पैर के साथ अचानक से नदी में कूद गया है, क्योंकि उस गेट का बैरियर उसके पैरों से छूकर गुजरा था। दर्द के मारे वांगजे ने अपने शूफू के हाथ की पकड़ और मजबूत की, उसके शूफू ने भी उसे उठने में मदद की। तभी उस गेट के दरवाजे बंद होने लगे और वहाँ की ची एनर्जी का फ्लो बदल गया, जिससे लान वांगजी और लान चिरेन दोनों भी लड़खड़ाकर आगे गिर गए। पर शूफू ने खुद को भी गिरने से बचाया और वांगजी को भी, तुरंत उनके पीछे गेट के दरवाजे बंद हो गए और अंदर फिर से एक बार ची एनर्जी की ज़ोरदार लहर उठी, बहुत ही ज़ोरदार। अब इससे बचना उन दोनों के लिए मुश्किल था, तो वो दोनों भी घुटनों पर आ गए। तभी उस यंग डिसाइपल लड़के ने बड़े ही विनम्रता से कहा, माफ़ कीजिए, यहाँ की हवा पहली बार हर किसी से सही नहीं जाती। अब उस यंग डिसाइपल ने अपना परिचय दिया, मैं वेनिंग हूँ, कर्टेसी नाम वेन च्योंगलिन, और ये मेरी बड़ी बहन है वेनचिंग। उसने अपने बगल में खड़ी उसी यंग लेडी डिसाइपल की तरफ इशारा किया, फिर बोला, मेरी जी ये इस सदी की सबसे बढ़िया हीलर है, इसलिए मेरी विनती है कि आप अपने जख्मों का इलाज करने की अनुमति उनको दें। वेंग चिंगलोंग आगे बढ़ा, वांगजी को बो करके उसकी मदद करने की कोशिश की, पर शूफू ने उसे वहाँ से भगा दिया और खुद ही वांगजी को प्रोटेक्टिवली पकड़ लिया। वो अपने वांगजी को इस अजनबी लड़के से बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये बात अलग है कि वांगजी सबसे बड़े खतरे को अभी अभी छू कर आया था, पर वांगजी इस वक्त अपने शूफू के बर्ताव के लिए शर्मिंदा होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। वांगजी ने गहरी सांस ली, शूफू का हाथ हटाया और जितना हो सके उतना विनम्रता से प्रणाम करते हुए उसने अपने यजमान का आदर किया, फिर बोला, मेरा नाम लांझा है, कर्टिस नाम वांगजी, ये मेरे शूफू हैं लान चिरेन। कृपया करके हमारी दशा पर मत जाइए, क्योंकि वेंसेक ने हम पर हमला कर दिया था, क्योंकि वेंशु मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है, इसलिए मैं प्रिंस वुशान के साथ ये रिचुअल करने के लिए आ गया। मेरी आपसे विनती है कि आप कुछ दिनों के लिए हमें खाना और रहने की व्यवस्था करें, तो हम यहाँ से निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ सकते हैं। तभी कुछ और लोग भी उनके सामने आ गए, जिन्होंने भी एलिंग डिसाइपल्स की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। उनकी नज़रें उसी गेट्स की तरफ गईं जहां पर वेंशु जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी वांगजी ने फिर से एक बार बो करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से वेन गोंगसा आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। वांगजी आगे बोलने के लिए हिचकिचाया, तभी लान चिरेन उसकी बात काटते हुए आगे आए। उन्होंने तुरंत वेंशिंग को प्रणाम किया, शायद उन्होंने वेंजिंग को पहचान लिया था कि वो दफेन के वेन लोगों की रानी है। लांचरेन ने कहा, मेरा भतीजा मेरे बड़े भाई का छोटा बेटा है, जो मृत सेक लीडर चिंग हेंजुन और उनकी पत्नी वेन शिफेंग थे। वेंजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब वो इस सच को जान गई। दूसरी तरफ प्रणाम के लिए झुका वांगजी आधे में ही रुक गया था, फ्रीज हो गया था। ये बात अलग थी कि शूफू और लांचरेन हमेशा वांगजी का साथ देते थे, हमेशा उसे सबसे बचाया करते थे। जब उसने लड़कों की तरह कपड़े पहनने की जिद की, अपनी छाती को बांध कर रखा, उसके शूफू ने उसकी हर बात मानी, यहाँ तक कि उसका कर्टसी नाम भी लड़कों की तरह रखा। सीजन ने हर बार जब एल्डर्स उसकी शादी की बात करते थे उन्हें मना किया
रोक के रखा। यहाँ तक कि उसने वांगची को यिलिंग की यात्रा पर भी नहीं जाने दिया। फिर भी शूफो ने कभी भी उसे अपना भतीजा नहीं माना था। किसी ने भी लानसेट के बाहर ये नहीं कहा था कि वांगची एक लड़की नहीं लड़का है। शूफो ने अपना प्रणाम जारी रखते हुए कहा, ये जिस शरीर में पैदा हुआ इसे हमने सब में ये जाहिर कर दिया कि ये चिंगहेनजुन की बेटी है, पर बाद में हमने इस सच्चाई को अच्छे से जाना कि वो एक लड़का है। पर जैसा कि सब में ये बात पता हो चुकी थी, इसलिए उसे हमारे सेक्ट में लड़की बनकर जीने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर भी उसकी आनियांग का कहना था कि उसे कोई ज़बरदस्ती ना की जाए, उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी ना हो। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप उसे यहाँ पर सुरक्षित रखें, जैसा कि उसकी आनियांग अपने राज्य से चाहती थी। वांगजी की झुकी आँखें झिलमिल हो रही थी। पिछले कुछ दिनों से जो तनाव उसके अंदर था, जो डर था, वो सारा उतर गया था। आखिर अपने तो अपने ही होते हैं, ये सोचते हुए वो अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। शूफू, वो बुदबुदाया पर आगे कुछ भी बोल नहीं पाया। उसका दिल भर आया था, उसने बस झुककर अपने शूफू के सामने घुटने टेक दिए, अपने हाथ आगे जोड़ लिए, उनमें चेहरा छुपाया। अब उसके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। तभी लांचरेन ने कहा, बुद्धू लड़के, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। लांचरेन उसे प्यार से डांटने की कोशिश कर रहे थे, पर वो खुद भी घुटनों पर आ गए और वांगजी के कंधे पर हाथ रखा, उसे सहलाया और आखिरकार खुद भी रो पड़े। क्या ये सच में आफेंग का बेटा है? तभी पीछे से किसी ने कहा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, मैं आप सबका एक डाउट क्लियर कर दूँ, इस कहानी में वांगजी ना ही लड़का है ना ही लड़की, वो एक गेर है जिसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों के अंग पाए जाते हैं। आशा करती हूँ कि अब आप इस कहानी को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही मैं काफ़ी सारे चाइनीज टर्म्स भी यूज़ कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आसान शब्दों में आपके सामने ये रखूँ। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ को लेकर दिक्कत हो रही है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, पता है ना, जी इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। और हाँ, एक और बात, सब लोग मुझे मैरिड स्ट्रेंजर्स के अगले पार्ट के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, मैंने वो पार्ट सिर्फ मेंबर्स के लिए रखा है, इसलिए क्योंकि अभी वो मोनेटाइज नहीं हुआ है। मैरिड स्ट्रेंजर्स में अभी हनीमून फेज चल रहा है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे कोजी मोमेंट्स है जिनको यूट्यूब अलाउड नहीं कर रहा है। वो करीब 7 दिन बाद हर चीज़ को अलाउड करता है, इसलिए मैं वीडियो बनाकर वहाँ पर पोस्ट करते जा रही हूँ। जैसे ही यूट्यूब इन चीज़ों को अलाउड करता जाएगा, मैं उसे पब्लिक करती जाऊँगी। तब तक या तो आप लोग वेट कर सकते हैं या फिर 30 रुपये की मेम्बरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फिर इस FF के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।